कोई ना कोई ड्रीम सभी का होता है, लेकिन फोकस हमारा ना के बराबर होता है। आज हम यहाँ हैं, दो दिन अगर हम बाहर रहें तो हमारा फोकस गायब हो जाता है कि हमारा गोल क्या था, हमारा टारगेट क्या था। और ना ही हमारे पास कोई ड्रीम बुक होती है जिसमें लिखा हो कि मुझे ये करना है और इतने टाइम के अंदर अंदर करना। हाँ जी, ये मुझे इतने टाइम में अचीव करना। गुड पॉइंट। कितने हैं यहाँ पर जिन्होंने एक्चुअल में, सच बोलना झूठ मत बोलना, जिन्होंने एक्चुअल में किसी डायरी में अपने कहीं पर लिखा हुआ है कि मुझे ये करना ही करना है और इतने टाइम के अंदर अंदर करना ही करना है? कितने कम लोग हैं? हार्डली 20% या ये। तो मेरा ही क्वेश्चन है आप हम सभी से कि किस तरीके से उसको अपना अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। थैंक यू सर। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि हमारे पास में गोल्स नहीं होते हैं क्लियर कट। क्या गोल्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में या नहीं है? क्या हम गोल सेट करते हैं या सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं? कंप्लेन करना क्या है? एक्सक्यूज क्या है? व्हाट इज एन एक्सक्यूज? कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, फैमिली का प्रेशर है, मैं लड़की हूं इस वजह से मैं नहीं कर सकता। मैं लड़की हूं इस वजह से मैं नहीं कर सकती। कोई होगा वो कहेगा मैं लड़का हूं इस वजह से मैं नहीं कर सकता, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। दोनों तरफ से हमारे एक्सक्यूजेस आ रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं करते हैं, अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं नहीं नहीं मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन ये जो लेकिन है ना, लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस है। और सॉल्यूशन क्या है कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन चाहे जितनी भी प्रॉब्लम, उससे फर्क क्या पड़ता है, कर दूंगा ना, करना है तो। जैसे अगर अंदर से डीपली हमें एक चीज को करने की इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है तो फिर हम उस काम को कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बिजली का बिल है, इसको जमा कराना है, लास्ट डेट आ गई है, अगर नहीं कराया तो कल बिजली कट जाएगी, तो आपको इंपॉर्टेंस क्लियर है ना उसकी, तो वो काम होता है नहीं होता है? अगर उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो, लाख प्रॉब्लम्स होती है तो, तब भी हो जाता है नहीं हो पाता है? या आप एक्सक्यूज देते हो उस टाइम पे, अरे नहीं मैं तो बिजी हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है, नहीं करूंगा, हो जाता है ना, क्योंकि पता है कि अगर ये नहीं किया तो बिजली कट जाएगी, अंधेरे में जीना पड़ेगा। ऐसे इफ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो टाइम है आपकी लाइफ का, ये गोल्डन पीरियड है, ये जो आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल है, ये आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड है, क्योंकि अभी एनर्जी भरी पड़ी है अंदर से। तो अगर ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए कि कुछ ढंग का नहीं किया अपनी लाइफ में तो मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। आप में से कितने लोग हैं जो लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं? तो डू यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द स्टार्टिंग पॉइंट? वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो है डिससेटिस्फैक्शन विद योर ओन लाइफ। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या जितनी भी डिस्कवरीज होती है इस दुनिया में, चाहे साइंटिफिक डिस्कवरी हो, चाहे कोई भी सक्सेस स्टोरी हो, उसकी शुरुआत डिससेटिस्फैक्शन से नहीं होती है? डिससेटिस्फैक्शन विद योर करंट सिचुएशन, कि नहीं बहुत हुआ, अब तो बदलना है इस सिचुएशन को, ऐसे नहीं चलने वाला। हाँ चल सकता है लेकिन ऐसे नहीं चलाना है मुझे। दैट इज अ डिससेटिस्फैक्शन विच इज देयर।